जवान कई सारी चौकी है, ये तो सारा यहाँ सिचुएशन नहीं हो रहा है, जो अपनी जाने दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, प्रोटेक्ट द पीपल। आज भी कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है, उसके हवाले से अभी क्या अपडेट है? देखिए, सिचुएशन आप सब जानते हैं, इसमें मिलिटेंसी कुछ एक इलाकों में मौजूद है और मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, और हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयाँ हैं उनमें कमी हो, और जहाँ मिलिटेंट लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों की जान माल को नुकसान देते हैं, हम वहाँ पर लोगों की हिफाजत में उतरें। और आज का ऑपरेशन जो है उसमें भी अभी ऑपरेशन ख़त्म हुआ है लारू कुलगाम में, और मुझे बताया गया है कि 3 मिलिटेंट उसमें जो हैं वो मारे गए हैं, और बाकी ऑपरेशन लगभग वाइंड अप हो रहा है। सर, एक अब बात है, जो पीपल जैसे खुद आपने बताया सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन हमारा साउथ कश्मीर अभी भी काफ़ी डिस्टर्ब रह रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि साउथ कश्मीर में भी सिचुएशन में बहुत पहले से बेहतरी आई है। आज देखिए, लोग हमारा ताउन करते हैं, पथराव की कार्रवाइयाँ नहीं होती, स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, कहीं कोई ऐसा वाक़ा हो जाता है जो अनफॉर्चुनेट है, कहीं क्रॉस फायरिंग में किसी की डेथ होगी, उस दिन परसों शादी मार्ग में एक औरत की डेथ होगी, हमने बहुत अफसोस जाहिर किया सब ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलिटेंट को ऐसी जगह पे आके निशाना नहीं बनाना चाहिए जहाँ सिविलियन उनकी गोली का निशाना बने और सिविलियन जो है उनकी कैजुअल्टी हो। तो इसके चलते लोग हमसे ताउन कर रहे हैं, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और उसी के चलते हमें हर तरह की कामयाबी भी मिल रही है। रिक्रूटमेंट जो थी मिलिटेंसी के बीच में काफ़ी बड़ी तादाद में हो रही थी, उसमें बहुत कमी हुई है, अब लोग उस तरफ थोड़ा सा झुकाव उनका जो कम हो रहा है, और लोग बाकी जो है एक्टिविटीज़ उसकी तरफ, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो उनका रुझान। तो 3 मिलिटेंट जो कुलगाम में मारे गए, इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है या किसी अभी पहचान उनकी आ जाएगी, अभी पहचान उनकी करना बाकी है, थोड़ी देर तक उनकी डिटेल। एनी अदर कैजुअलिटीज फ्रॉम पुलिस साइड? और ठीक है, हमारी साइड से सब ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।